कुर्बानी के लिए अगर खीरा होता ना, ये देखे साथ वाले दांत छोटे हैं ना, ये बड़े निकले हुए देखे, ये धोंदा हो चुका है, इसकी एज पूरी है, कुर्बानी हो जाएगी इंशाल्लाह। वो है पक्का धोंदा है, एज पूरी है इसकी, होगी डील। डील होगी कितने की? डील आप क्या कहते हो कितने की होनी चाहिए? ये वाइट नहीं, ये ब्लैक छोटा ना, तकरीबन 80 तक। 76 ठीक हो गया, अच्छा हो गया, अल्लाह पाक कबूल करे। एड का दिया जी ये, अरे 20 का 10 का ज़बरदस्त, 10 का हुआ जी ये, और 1.5 वाले से अच्छा है, मुझे 1.5 का बता रहे थे ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों को ईद मुबारक। आज माशाल्लाह से ईद का पहला दिन है और शाम के वक्त मैं आया हूँ मंडी में, क्योंकि सुबह जो है ना अपनी कुर्बानी के जो है ना सिलसिले में लगे रहे हैं। बाकी आगाज़ करते हैं वीडियो का दुरूद पाक से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सैयदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आना तो मैंने रोशनी में था लेकिन अंधेरा पड़ गया, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा पढ़ा जाऊँगी जो भी सूरत हाल है जो है ना आपके साथ शेयर करूँ एंड तक देखिएगा वीडियो। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी माशाल्लाह से पूरे सीज़न में आपकी सपोर्ट रही है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी आपकी अच्छी सपोर्ट रहेगी। नंबर मेरा स्क्रीन पे होगा 03115391221। ये सीज़न में मैंने नंबर इसलिए नहीं दिया क्योंकि पहले जो है ना मैं काफ़ी सारे दोस्तों को रिप्लाई नहीं कर पा रहा था और काले वगैरह अटेंड नहीं कर रहा था, तो सीज़न में तो वैसे भी जो है ना काफ़ी सारे दोस्त कॉन्टैक्ट में हो जाते हैं, तो इस वजह से मैंने नंबर नहीं दिया। बाकी आप दोस्त काफ़ी सारे जो है ना भेजना चाह रहे होते हैं वीडियोज़ या पिक्चर वगैरह, तो जो जो आपकी परचेजिंग है जानवर मुझे व्हाट्सएप करें, देख के खुशी होगी। बाकी आए देखते हैं आज बाटा जो कि ईद वाले दिन क्या सूरत हाल चल रही है। बाकी मुंह में थोड़े से छाले निकले हैं जिसकी वजह से बोलने समझ नहीं आ रही, काफ़ी दोस्त कह रहे हैं कि आपने नस्वार रखी है, नस्वार मैं नहीं डालता। साथ मेरे अली अकबर, अली अकबर की तरफ से ईद मुबारक बोलो सबको, ईद मुबारक बोलो, ईद मुबारक बोलो अली अकबर की तरफ से सबको, ईद मुबारक। ठीक हो गया जी, रमान भाई हैं जी साथ, रमान भाई के कज़न स्नैन साहब शर्मा के भागने लगे थे, एकदम से पकड़ लिए, चले मंडी के अंदर चलते हैं, बाकी गपशप चलती रहेगी। मैं अभी तक जो भी सीज़न कवर कर रहा हूँ सबसे अच्छा सीज़न 2023 रहा है जी। 2 कैमल रह गए इधर, बाकी क्या पता पीछे वाली साइड पे भी हम देखते हैं आज इनकी क्या डिमांड हो रही है। कैमल वाले भाई आप गए, क्या मांग रहे हैं इनका? 10 लाख, 5-5 लाख रुपए मांग रहे हैं, बड़े हसीन कैमल है। कितने ले के आए थे? 4, 2 बेची हैं। क्या आपका ख्याल है इस मरतबा मंडी कैसी थी? ठीक थी, अच्छी मंडी थी ना इस मरतबा बाजार से? खुद मेरा भी ख्याल है जी मंडी अच्छी थी, क्योंकि एंड पे व्यापारियों ने देने वाली बात की है, वो रोकने वाला काम नहीं ना किया, और काफ़ी सारे दोस्तों ने कुर्बानी मतलब बढ़ चढ़ के की है। चलें जिन जिन दोस्तों ने कुर्बानी की है सबकी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। 5 लाख और 5 लाख ठीक है, तो चलें अल्लाह करे कि बिक जाए भाई के 2 जो रह गए हैं, बाकी अंदर जाते हैं मंडी में बैठे छाले दिखाते हैं, बकरे भी खड़े हैं। असल मुँह में छाले बने हैं, बोलना बहुत मुश्किल हो रहा है, मैं बड़े मुश्किल से बोल रहा हूँ। ये बकरे बैठे इधर, अभी मेरे ख्याल से पंजाब वाले तो ज़्यादातर व्यापारी चले ही गए हैं, वो सामने लोड है बिक गया, क्या सीन है। बड़ा माल तकरीबन जो है ना निकल चुका है, छोटा माल रह गया। ये इधर एक बछड़ा खड़ा है, चाचू कितने पैसे बचे ने? 2 दास। इधर लोकल हो पिंडी ने पंजाब में आयो? पिंडी के, अभी ये माल तकरीबन मंडी में है वो लोकल ही, इधर आस पास के बंदे हैं, पंजाब वाला माल तकरीबन बिक के जा चुका है। अंदर ही आग मैं दिखाता हूँ, अभी तो लाइटें शाइटें उतार ली हैं, सही समझ नहीं आएगी आपको। ये लोकल जो पिंडी के इधर आसपास के व्यापारी उन्हीं का माल खड़ा है, ये देखें छोटे छोटे, ये मेरे ख्याल खीरे बचे आए हैं, ये भी अपने खीरे बचे खीरे, अच्छा उस चाचे ने ये खीरे जी अगले साल वाले इधर नहीं गए हैं, ये देखें धोंदे हैं जी, 35-35 मांगे, मैं समझता था खीरे नेक्स्ट ईयर वाले, क्योंकि खीरे भी आज काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे जब मैं इधर मंडी में एंटर हो रहा था ना असर के टाइम पे, फिर मैं आगे चला गया था किसी काम से, अभी लेट हो गया हूँ। ये देखें छोटे छोटे, ये तो फिर कुछ समझ आ रहा है, वो तो बिल्कुल छोटा सा है। हाँ आगे जाते हैं देखते हैं मामला, और परचेजिंग भी आज भी हो रही है, मेरा दिल था संजानी भी चक्कर लगाऊं लेकिन असल में लेट हो गया हूँ, ये मेरे ख्याल से बिक गया है। दे दिए भाई कितने का हुआ है? अच्छा भाई ने दिया, ये स्टेजियन फीजियन है जी, मैं वो नस्ल बता रहा हूँ स्टेजियन फीजियन, 1.5 का दिया जी ये, थोड़ा एक्सपेंसिव लिया है ने, और वच्छी घड़ी है इधर, कल बड़े वाले की एक वच्छी मुझे मिल रही थी इधर 90,000 रुपये, मेरे से चाची ने मांगा था। चाचू जी कितने पैसे वच्छी ने? 1 दास जी,
110,000 रुपया कल इतनी बची थी मेरे से, 90,000 रुपये चाचा जी ने मांगे थे उधर अंदर मंडी में। कल बिल्कुल देने वाले व्यापारियों ने बदाम किए हैं, आज जो रह गए ये लोकल है ना, इनको टेंशन नहीं है, इन्होंने ठोक ठोक के बेचने हैं। डेढ़ का बिका है, मुझे समझ नहीं आया, ये भी मेरे ख्याल से बिका हुआ लोड हुआ है अभी अंधेरे में, समझ नहीं आएगी, वरना ओवरव्यू देता। माल पीछे आया हुआ है, खीरे बच्चे अच्छे, ये देखें दो इधर भी खड़े हैं। बाकी आप तमाम दोस्तों का बन सके हैं जी, बहुत शुक्रिया, आपने इस सीज़न में मेरे 1,00,000 सब्सक्राइबर भी मुकम्मल करवाए और भरपूर जो है ना आपने साथ दिया है, पूरी सपोर्ट दिखाई है। सुबह जब मैं आया हूँ ना एक दुमा खरीदने के लिए 60,000 रुपये का, अच्छा तो एक बड़ा लेके चला गया हूँ। सीम को चला था कि माल व्यापारी दे रहे थे, हाँ। बहुत कम खड़े हुए थे, अच्छा बाहर से माल बहुत ज्यादा आ रहा था, जो इधर उधर मंडियों का लोकल माल, नहीं गुजरावाला से आया है, अच्छा और से आया है, इस साइड से माल। अच्छा कितने का लिया है? 60,000 रुपए का। वाह जी वाह, दुम्बा लेने आए, दुम्बा नहीं मिला, 60,000 का बच्चा ले लिया माशाल्लाह। ये हो सकता है खीरा हो, इसका पूछिए क्या मांग है, ये मारने वाला है, लात उठाई है, सोना बच्चा है, पर ये बंदा बैठा उसी। अभी ये लोगों लेना वही हिसाब है अपनी मंडियों वाला, कर लेते हैं खीरा ही होगा, नजर आ रहा है, चेक करवाओ, खीरा पक्का खीरा। और ये जो है ना तकरीबन आइडलाइन इतनी नहीं करेगा, गुलाइयों में जाएगा ये बच्चा। इधर जाके पूछ के आओ क्या पैसे मांग रहे हैं। चांद की रोशनी में ही आपको शो करवाएंगे, ऊपर चांद है और लाइटें शाइटें तो वैसे चली गई हैं उड़ के, अभी फ्लैश लाइट भी शौक होगा। ये मेरे ख्याल से ले लिए को उतारने लगे हैं, चेकिंग हो रही है। ये भाई कितने का हुआ माशाल्लाह से? एक 20 का, 10 का, ज़बरदस्त, 10 का हुआ जी ये, और डेढ़ वाले से अच्छा है, मुझे डेढ़ का बता रहे थे ना, ये है भी देसी में, हैवी डिमांड ही खीरे की, 1,70,000 रुपये मांगे ने इसके, बहुत हैवी डिमांड की है ने। अभी अगर 1,70,000 का ये है तो ये पाल के अगले साल फिर कितने का बिकेगा खीरा बच्चे? 1,00,000 रुपये का समझ आता है, तकरीबन कोई 80-85,000 में। दो ये भी हैं, एक अबलग में है ये। अस्सलाम वालेकुम भैया, आपके जानवर? अच्छा आपके लिए हैं, चले जी आगे चलते हैं, खीरे वापस चलेंगे, अभी ये भी होंगे पंजाब वाली साइड से जो आते लेके जाते, कटा खड़ा है। कितने पैसे मांग क्या रहे हैं? 1,50,000 रुपया, हैवी काम है, बहुत ज़्यादा है, 1,50,000 रुपया भाई। कितने पैसे? 1,50,000 रुपया, दोंदा 1,50,000 कट्टे की बनस्बत इसकी डिमांड ठीक है, ये कट्टे से अभी खूबसूरत, इसके ऊपर निशान से पड़े हुए हैं वही पुराने लंपी वाले। अच्छा इधर पास किए हैं, असल में ये जो माल रह गया ना ये लोगों लिया है, ये इधर सही वाली बच्चा खड़ा है। कितने पैसे? 50,000 इसका भी डेढ़ जी, 150 चौक है, पता नहीं, नहीं नहीं बेचारा कमजोरी की वजह से इस तरह। ये देखें पूरा मैदान खाली, एक एक दो दो जानवर दूर दूर तक नजर आ रहे हैं, इधर भी एक वैडी का सौदा हो रहा है, छोटी सी बड़ी प्यारी। चाचू कितने पैसे? 80,000 ठीक मांगे हैं, मांगने के लिए आसे है, अगर दो दांत है तो ओए पीछे ही लग जाएगी, मार देगी ऐसे ना, उड़ा के फेंकेगी। है तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5-2 मन होगी। सुबह जो बच्चा लिया था इतना था, हाइट में थोड़ा छोटे और मोटा बहुत था। अच्छा अच्छा हाइट में थोड़ा छोटा और मोटा था, भाई ने मेरे ख्याल से पैसे भी लगाए हैं। कितने लगाए हैं आपने? कितने लगाए हैं? बात हो रही है। अच्छा बात हो रही है, बहुत अच्छा रेट लगाया रहे, बहुत अच्छा रेट है 68, बहुत अच्छा रेट है। सत्तर कर दिए, 70,000 कर दिए, और चाचा 75 पेड़े हुए हैं। मेरा बबलू जो है सुबह सुबह हो गया, उसका ब्लॉग इंशाल्लाह अभी हो सकता है, टाइम क्या हुआ है 8 हुए हैं, 10-11 बजे तक मैं अपलोड करूँगा, उसमें मेरे 100K की सेलिब्रेशन भी आएगी। मैं इतना बिजी रहा हूँ, मतलब सेलिब्रेशन वाला ब्लॉग डाल नहीं सका, ढील इनकी लंबी होगी, अभी तक ढील हो रही है, जाते हैं सफर करो, तकरीबन ढील इनकी होगी, ये बंदे पक्के हैं और 1,000-2,000 ऊपर करेंगे, चाचा दे देगा, 75 पे चाचा अड़ा हुआ है।
65,000 में मुझे समझ आ रही थी बच्ची, लेकिन चलें अभी जो हालात हैं उस हिसाब से ठीक है। इधर एक बड़ा जानवर खड़ा है और ये हैं पंजाब के बंदे, इनसे पूछते हैं मामलात। ये एक बड़ा बैल है इनके पास, तकरीबन 5 मन होगा। और ये है भाई, क्या हाल है? ठीक है, दो ही रह गए जानवर। किस जगह से आए थे? अरब वाला। कितने बेचे हैं? 19। ठीक हुआ है मामला, क्या कोई नुकसान किया है? ठीक हो गया है, बस दो ही रह गए। क्या मांग रहे हैं इसका? 3.5 लाख। दांतों में क्या है? चौगा। और ये वाला? ये धुंधा। इसका क्या मांग रहे हैं? 130। इसका कोई रेट तो लगे होंगे, कितना रेट लगा इसका? रेट तो कोई पता नहीं पता। तो अभी सुबह वापस जाना है? चलें जी, अल्लाह करे रात तक आपके जानवर बिक जाए। ये दो ही जानवर इनके पास रह गए हैं जी, बाकी तकरीबन 19 जानवर इन्होंने बेच दिए हैं। क्या कहते हैं, इस मरतबा मंडी अच्छी रही है? मंडी अच्छी है ना? तकरीबन जो भी कमेंट्स आ रहा है जी, जिस मैं व्यापारी से भी पूछ रहा हूँ, सबका कहना यही है मंडी अच्छी रही है, और कस्टमर का भी कहना है मंडी अच्छी रही है। और जो 4000 साल पुराने जान रखे मंडियों में आए हैं, उनके लिए मंडी ठीक नहीं रही। बकरों वाली साइड पे भी जाऊंगा, अपडेट थोड़ी लंबी बनाऊंगा ताकि पूरी अपडेट आपको दे सकूं। इधर भी सामने पंजाब का माल खड़ा है, पंजाब वाले व्यापारियों से जरा अपडेट लूं। अपना लोकल व्यापारी जो है ना, वो तो इधर पास क्या, वो तुम उनके रेट मांग रहे हैं, घर से ले गए हैं, उनको पता है बिका बिका, वरना वापस ले जाएंगे। चलो ना, इनके पास तो कुछ ज़्यादा जानवर खड़े हैं, 3 और 2 5 5 जानवर हैं। ये चाचा जी से पूछते हैं, बल्कि डील भी पीछे हो रही है, डील भी मैं दिखाता हूँ। नहीं उनके नहीं हैं, वो कस्टमर हैं। ये देखिए इधर काले जानवर की डील चल रही है, ये इस वाले की। अच्छा वैडी है, वैडी अच्छी। चाचा अपनी है? नहीं, चाचू की नहीं, चाचू का वो पंजाबी माल है। ये धनी की बच्ची है, ये इस काले वैडे का सौदा हो गया मेरे ख्याल से। 3 मन का जानवर है, हो गया मेरे ख्याल से। 1.5 का हुआ जी, ये ब्लैक वाला देखें, ये धनी बच्ची। इसका रेट लेते हैं, लेकिन इधर बंदा कोई नहीं है। दोंदी है जी, 70 मांग रहे हैं। धनी बच्ची है, जबरदस्त पिंक नोज में काली आंखें काले कान। सीजन तो चला गया, दिल वीरान कर गया। एक महीने के लिए यह कचरा कुंडी भी बड़ी रौनकों की मालक बन गई थी, लेकिन दोबारा से वही हाल। डब्बा बच्चा खीरा होगा धोंदा भाई, धोंदा खीरा चौगा। कितने पैसे? 2 लाख है। सोना जानवर है, लेकिन लंपी से रिकवर हुआ है। असल में लंपी ऐसी गंदी बीमारी पड़ी, उसके निशान वापस ख़त्म नहीं हुए, निशान ही रह गए हैं, लेकिन जानवर साफ है। क्योंकि नहीं नहीं गल ठीक है तुम्हारी, बीमारी तो ख़त्म होगी लेकिन निशान छोड़ गई। दूर दूर एक उधर जानवर खड़ा है, इधर मतलब ऐसे फास्तों फास्तों पर खड़ा है एक एक जानवर। इधर वो खुल गया है, लेकिन भागेगा नहीं, वो इसके साथ मेरे ख्याल से अटैच है, वो इसके पीछे ही आ रहा है। ये देखो इसी के पीछे पीछे, ये देखो जैसे माँ के पीछे नहीं आता। ओ ओ, 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 ओ ये तो मामला कोई और ही करने आ गया है। ओ खुला नास गया है, वो इसकी दुम कटी हुई है ना, इसीलिए नहीं बिका। डील हो रही है बच्चे की, ये एक देसी एक बहुत छोटा। ये इधर डील हो रही है जी, दोंदा है, कंफर्म है, कंफर्म दोंदा है कुर्बानी के लिए। अगर खीरा होता ना, ये देखे साथ वाले दांत छोटे हैं ना, ये बड़े निकले हुए देखें, ये दोंदा हो चुका है, इसकी एज पूरी है, कुर्बानी हो जाएगी इंशाल्लाह। वो है पक्का दोंदा है, एज पूरी है इसकी, हो गई डील। डील कितने की? आप क्या कहते हो कितने की होनी चाहिए? ये वाइट नहीं, ये ब्लैक छोटा ना, तकरीबन 80 तक। 80 तक? 76। ठीक हो गया, अच्छा हो गया, अल्लाह पाक कबूल करे। ये वाला हुआ जी ब्लैक वाला, कंफर्म धोंदा है, और 76 का हुआ है, 76,000 रुपये का। जो मंडी का लाद है उस हिसाब से मैंने 80 बताया है, लेकिन चलें 4,000 का फ़र्क था, लेकिन अच्छा हो गया है। चलें उनकी भी हेल्प हो गई, वो उनसे बात कर रहे थे कि मैं जो है ना अल्लाह को हाथ नजर जान के देख रहा हूँ। क्या 2,60,000 रुपये खीरा ये वाला, डेढ़ तक समझ आता है बच्चा, डेढ़ तक, डेढ़ से भी नीचे बल गए।
उनकी डील हो रही थी, उनको पता ही नहीं है दांतों का ना, वो बपारी पे सारा छोड़ रहे थे, फिर मैंने उनको कंफर्म कर दिया तो ओके हो गया, दो दांत हाँ छोटा सा 76,000 का। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए ना, मेरी तो कोशिश होती है जिसके साथ हेल्प हो सके मैं करूँ। ये दो बच्चे बड़े खूबसूरत सोने बच्चे खड़े हैं, इनका सारे वो छोटा है, ये सही है। खीरा दोंदा, खीरा माशाल्लाह बिग खीरा, कितने पैसे? साढ़े साढ़े 4,00,000 रुपया खीरे का। अच्छा खूबसूरत सब कुछ है लेकिन 4,50,000 रुपया। अगली कुर्बानी पे कितने का बिकेगा खीरा? वैसे नंबर ले लेते हैं, जानवर खूबसूरत है। नंबर है अपना है भाई, मोबाइल नंबर है नहीं? जी है भाई। दसो 0335 कच्चा खीरा जी, ये अगले साल से हैवी चीज बनेगी, सही तगड़ी चीज है। और इधर भी एक खड़ा है, ये पता नहीं खीरा है इसका कहाँ भी कटा हुआ है। खीरा दूंगा के पैसे मांगे? 2,20,000 रुपये लंबी रिकवर है ये जानवर, ये भी कद गाठ में ठीक है। कान इसका हल्का सा कटा हुआ है, 2,20 बताए ना? नहीं 2,20 मेरे ख्याल से बताए, कितने बताए मुझे तो पता नहीं, मुझे तो अभी खड़े खड़े भूल गया है। पूछ लें आप दोबारा, पूछोगे कहेंगे बार बार किसके लगा रहे हैं आप, पूछ लें। लीड हो रही है इनकी, वही बात है ना, दो मांग लेना 2,20 होने की गल कर रही। नहीं बात बनी, ये लेकिन जानवर अगले साल के, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, तकरीबन 2 तक दे देना, 2,20 तक, जानवर बहुत खूबसूरत है। ये अंधेरे में कुछ भी नहीं नज़र आ रहा लेकिन सही बनने वाली, अगले साल के लिए सही बिग ब्यूटी बनेगी। इधर भी छोटा खड़ा है भाई। अच्छा आपने कितने पैसे? ओए हो खीरा, खीरा 2,40,000 रुपया। ये अगले साल दोना लगसी इंशाल्लाह। कितनी उम्र है? उम्र तकरीबन 17-18 महीने। 17-18 महीने निका नहीं बहु, 17-18 महीना ना निका भी आजी हैं वो निका नजर आवे कद काठे ना बन सी ना फिर। हां इतना हैवी तो फिर नहीं बनेगा, या एज कम है ये ज्यादा बता रहे हैं। तारना ने मोल के दाने तारना, तारना दे काले ना के मांग रहे हो? कालिन 2,40। वो भी खीरा? खीरा वो कितने महीना ना? मेरा वो मूल्य ना कोई पता नहीं कितने, वो माशाल्लाह से प्यारा है जी, मेरा फेवरेट कलर है माथा वाइट है और है भी सही लचक वाला जानवर है। ये क्या करें, ये फुल शाइनी ब्लैक शूटर है, दुम हैंड से वाइट है, माथा वाइट है, बाकी फुल ब्लैक। इधर भी खीरा ही नजर आ रहा है, खीरा दोंदा कितने पैसे? पैसे मांग ही रहे हो? अच्छा 2,60 मांगने रहे हो, हम ऐसे लेके मांग रहे हो? 2,10 अभी मांग रहे हैं। ये जो सास वाला चाचा जी ने बताया ना 17 महीने वाला, वो इतना ही दोंदा बनेगा बस। क्या रौनकें खत्म हो चुकी हैं जी, पहले इधर क्या मेला लगा हुआ था, अभी देखें वाइंड अप है सारा काम, रौनकें खत्म हुई, मुर्शिद सीजन जा रहा है, दो पल रुका, जानवरों का सिलसिला। ये भी एक बच्चा खड़ा, चाचू खीरा दूंगा क्या मांग रहे हो? एक सर 1,60 मांग रहे हैं जी, ये 50 का ले जाओ खीरा। चाचा जी ने डिमांड ठीक की है, अच्छा समझ आता है, तकरीबन 95 तक। इधर भी एक खड़ा है भाई, दोंदा खीरा, खीरा दोंदा जी, दोंदा जी क्या मांग रहे हो? बच्चे 3,00,000 का राडा कहना चाहूंगा। 3,00,000 रुपया, ये देखें इधर तो खड़ा है, क्या सीधी मलंग। कितने पैसे चाचू? हम तो 2,60 3,60 दान तो मैं छगा छगा है जी, लुक वाइज ये सीधी मलंग की तरह लगता है, लुक उसी तरह की है लेकिन वो तो एक ब्रांड है, ये कुर्बानी के लिए खड़ा है। ओहो कटे नहीं ना, इधर भी खीरा बच्चा है, कितने पैसे भाई?
कितने पैसे? 250 2.5 लाख रुपए सबज परी खीरा 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 ये जानवर बनने वाला है सबज परी कटी नाश गई गई ना अभी पकौड़े बन रहे इधर ये भी डब्बा खड़ा है भाई खीरा दोंदा दोंदा कितने पैसे 170 ये मैं जाके डर गया 170 चाचा जी खीरा दोंदा कितने पैसे 1,60,000 रुपया जी अभी भी हैवी काम जा रहा हैवी वो सामने एक सही फिट बैल खड़ा है ये दिखाता हूँ मैं आपको ये चेक करें इसकी मेरे ख्याल से डील भी चल रही है तगड़ा जानवर है अभी तक मंडी में सबसे खूबसूरत जानवर है ये चाचा जी कितने पैसे ने बचे ने कितने पैसे ने 4.5 दंदू खीरा माशाल्लाह बिग खीरा अगर खीरा है तो क्या बात है 4.5 लाख रुपये और खीरा है तो फिर तो क्या ही बात है कच्चा खीरा पक्का धोंदा हो सके जल्दी लग जाए जल्दी धोंदा लगेगा इतना बड़ा खीरा है माशाल्लाह ये देखिए पार्टी लगी हुई है इसकी डील बनाने के लिए ना साढ़े 4 लाख अभी भी वजन में ये 5 मन है बल्कि 5 मन से ऊपर ही होगा रीजन ही होगा तो पापा जा रहे हैं ना या बिक के जा रहे हैं भाई ने 2 बोले हैं चाचा जी लिफ्ट ही नहीं करवा रहे लेकिन ये है कि 2.5 तक चीज़ बन जाए तो फिट है कितने पैसे भाई दांतों में छगा चौगा हैवी डिमांड 5 लाख रुपया इधर भी बच्चा खड़ा है दोनों ने खीरा क्या मांग रहे हो 3 लाख रुपये मांग रहे खीरा दोंदा हाँ दोंदा दोंदा खीरा कैसा दोंदा नहीं दोंदा अच्छा दोंदा दोंदा है जी जानवर प्यार है अगर खीरा होता तो फिर फिट था बड़ी रश लगी है यहाँ पे बकरे बांट रहे हैं लाइन में खड़े हो क्या सीन है मैं वो मस्जिद में जब चावल बांटते हैं ना लेने जाते हैं 2 बर्तन ले गए मेरे छोटे भाई से ही भाग दियो 2 बकरे लेंगे माल तो बड़ा खाया जी कितने पैसे ₹85,000 इसका जी हमजा भाई 40,000 का कल मैंने टैक्सा मंडी से लिया ऐसा बकरा शुक्र है लगा आपने भेड़ों से तो फिर बकरों से भेड़ी नहीं थी 70,000 के भेड़े बिक रहे हैं उधर कोई बात नहीं कस्टमर बहुत है इस वजह से रेट भी आई है बकरा ये भी सिंधी है प्यारा बकरा लेकिन इनकी डिमांडें बहुत आई हैं ओहो लॉन्ग टेल शीप भी आए हैं जी ये बबलू ओहो बबलू ओए रमान ये पूछ कितने का नहीं ये वाला गुजारा है शॉर्ट टेल में आ रहा है इसका कपूस ने कितने मांग रहे हैं बड़े फिट कर रहे हैं ये चेक करें मैं बबलू अभी ये कुर्बानी करके आया हूँ 70 कह रहे हैं इसका रेट वाइट बकरा है चाचू इसके कितने पैसे हैं कितना 60,000 एक का इसका बहुत हैवी डिमांड हो रही है बहुत एक्स्ट्रा डिमांड है कस्टमर भी है लेकिन बहुत एक्स्ट्रा डिमांड है ये तकरीबन इनका वजन होगा कोई 18-18 20-20 किलो हमने बरीद के बाद ही लेने हैं इंशाल्लाह इधर भाई डर गए मैं रेट पूछ के चले इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात करेंगे तो हमें याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़ अल्लाह ने के बाद